हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर प्रीमियर कंपटीशन एकेडमी के डेली न्यूज़पेपर जीस्ट के इस एडिशन में। और आज हम डिस्कस करेंगे 9 जनवरी की जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं। और जल्दी से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कर्नाटका हाई कोर्ट ने जो है सुओ मोटो नोटिस लेते हुए दोस्तों कृष्ण राज सागर डैम जो कर्नाटका के मांड्या डिस्ट्रिक्ट में है और किस पे कावेरी नदी के ऊपर बना हुआ है, कावेरी नदी के ऊपर ये है, तो इसके आसपास जो माइनिंग एक्टिविटीज़ हो रही थी उनके ऊपर रोक लगाने का फैसला दिया है कर्नाटका हाई कोर्ट ने सुओ मोटो नोटिस लेते हुए। कावेरी नदी के ऊपर बना है कृष्ण राज सागर, तो इसके आसपास के 20 किलोमीटर के एरिया में माइनिंग एक्टिविटी को बैन कर दिया है। और ये किया है डैम की सेफ्टी को नज़र में रखते हुए, जो हमारा डैम सेफ्टी एक्ट 2021 का है उसके अकॉर्डिंग डैम सेफ्टी कमेटी बनाई गई है और उसकी रिपोर्ट आने तक इस पर बैन लगा दिया है कर्नाटका हाई कोर्ट ने दोस्तों। कृष्ण राज सागर ध्यान रखना है आपको, कावेरी नदी के ऊपर है और ये हम देख सकते हैं कहाँ पर है, ये कर्नाटका में कृष्ण राज सागर, ये जो आप देख रहे हैं कावेरी नदी, ये इसके ऊपर ये बना हुआ है कृष्ण राज सागर। एलिजाबेथ बोर्न, ये कौन है दोस्तों? एलिजाबेथ बोर्न जो है ये फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने हाल ही में रिजाइन कर दिया है अपनी पोस्ट से, एलिजाबेथ बोर्न, ये आप देख सकते हैं। और फ्रांस जो है यूरोपियन कंट्री है, ये फ्रांस है और इसकी कैपिटल क्या है? पेरिस। और फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं ये इमैनुअल मैक्रों हैं। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप दोस्तों, ये अभी जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित की गई और यहाँ पर वरुण तोमर और ऐसा सिंह ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है और साथ ही अपना ओलंपिक कोटा भी पक्का कर लिया है। तो एशियन शूटिंग चैंपियनशिप कहां पर हुई? जकार्ता इंडोनेशिया में दोस्तों। सुरक्षा, सुरक्षा क्या है? सुरक्षा ये श्रीलंकन कोस्ट गार्ड शिप है दोस्तों जो भारत के पास रिपेयरिंग के लिए आया था और रिपेयर करके भारत ने इसको रिटर्न कर दिया है श्रीलंकन कोस्ट गार्ड को। और एक्चुअली में ये अक्टूबर 2017 में ये भारत ने ही इसको दिया था श्रीलंका को, ये पहले भारतीय तटरक्षक बल में ही था जो सुरक्षा ये पोत है, कोस्ट गार्ड शिप है, ये पहले भारतीय तटरक्षक बल में ही था लेकिन इसको बाद में अक्टूबर 2017 में श्रीलंका ही नौसेना को सौंप दिया था। तो अभी ये कुछ रिपेयर वर्क के लिए इंडिया में आया था तो इंडिया ने इसको रिपेयर करके वापस श्रीलंका को लौटा दिया। इसका नाम क्या है? सुरक्षा। ओपनहाइमर ने 5 जो है अवार्ड्स जीते हैं, गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड जो हुए, 81st गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड यूएस के कैलिफोर्निया में आयोजित किए जाते हैं दोस्तों, कैलिफोर्निया में। तो 81st गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड जो हुए इसमें ओपनहाइमर मूवी है इसने 5 अवार्ड जीते हैं, बेस्ट फिल्म का अवार्ड तो इसने जीता ही, इसके अलावा 4 और अवार्ड है जिसमें से बेस्ट डायरेक्टर जो इसके डायरेक्टर हैं वो क्रिस्टोफर नोलन हैं, उनको ही बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। तो कुल मिलाकर 5 अवार्ड इसने जीते हैं ओपनहाइमर। इसके अलावा बेस्ट एक्टर का जो मिला है वो सिलियन मर्फी को ही मिला है, ये भी ओपनहाइमर के लिए मिला है इनको। और बेस्ट फीमेल एक्टर जो मिला है वो लिली ग्लैडस्टोन को मिला है किलर्स ऑफ द फ्लावर मून के लिए, ये है लिली ग्लैडस्टोन। तो दोस्तों 5 अवार्ड जीते हैं ओपनहाइमर ने, बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट एक्टर को इंक्लूड करते हुए। फ्रेंच बेकेनबाउर, ये फ्रेंच बेकेनबाउर दोस्तों जर्मनी के महान फुटबॉल प्लेयर थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है और ये उन 3 खिलाड़ियों में से एक हैं जिन्होंने फीफा वर्ल्ड कप जो है एज ए प्लेयर और एज ए कोच दोनों रहते हुए जीता है, जिनमें जो बाकी के 2 हैं उनमें से ब्राज़ील के जो जेगेलो थे अभी, मारियो जेगेलो, उनका हाल ही में निधन हुआ इनका भी। तो एक ये जर्मनी के फ्रेंच बेकेनबाउर हैं और एक फ्रांस के डैच चैंप्स थे, जो ऐसे 3 ये खिलाड़ी हैं जिन्होंने एज ए प्लेयर और एज ए कोच जो है फीफा वर्ल्ड कप जीता है। तो फ्रेंच बेकेनबाउर कहाँ के हैं? जर्मनी के। और इससे पहले जिनका देहांत हुआ है ब्राज़ील के जो हैं मारियो जेगेलो। तो दोस्तों आज यहीं समाप्त करते हैं और अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें,